आणि आता बातमी आहे भारतीय सैन्याच्या साहसाची। अरुणाचल प्रदेशच्या यांगत्से मध्ये 9 डिसेंबरला चीनी घुसखोरीचं वृत्त समोर आलं आणि त्या चीनी सैनिकांना भारतीय सैनिकांनी अद्दलही खडवली। अशातच भारतीय सैनिक आणि चीनी जवानांमधील हिंसक झटापटीचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे याबाबत लष्कराकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, मात्र सीमेचं रक्षण करताना भारताच्या जवानांनी घेतलेल्या रौद्रावताराचा हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झालाय। या व्हिडिओमध्ये भारताचे वीर जवान मातृभूमीचं रक्षण करताना चीनी सैनिकांना लाठ्या काठ्यांनी झोडपून काढताना दिसतंय। आक्रमक भारतीय सेनेपुढे ठेकेखोर चीनी सैनिकांचं काही एक चाललं नाही आणि त्यांना बचावासाठी पळ काढावा लागल्याचं या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतंय। नऊ डिसेंबरला भारतात तवांग सेक्टरच्या यांगत्से परिसरामध्ये नियंत्रण रेषेजवळ चीनी सैनिकांनी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न भारतीय सैनिकांनी हाणून पाडला। गेल्या काही वर्षात भारत आणि चीन सीमेवर तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। विशेषतः अरुणाचलमध्ये चीनची घुसखोरी सातत्यानं वाढतीये। तवांग गिळंगृत करण्यासाठी चीन का प्रयत्न करतोय याचा आढावा घेण्यासाठी News18 लोकमतची टीम थेट सीमेवर पोहोचलेली आहे। तवांग मधून LC वरून एक्सक्लुसिव आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी मोनिका ठाकूर यांनी। भारत चीन तवांग टेंशन पर देश के नंबर वन न्यूज चैनल News18 इंडिया पर आप लगातार वहां कवरेज देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं LAC तवांग के बेहद करीब हूं और आप देखिए यहां पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। चीन की हर चालबाजी पर किस तरीके से कड़ा प्रहार करना है उसकी एक आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर भारतीय सेना मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम ट्रक्स आपको भारतीय सेना के नजर आएंगे। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो संदेश देने की कोशिश यहां पर भारतीय सेना की तरफ से। अगर चीन इस तरीके की चालबाजी चालाकी करता रहेगा तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय सेना मजबूत है, सक्षम है और यही वजह है आप देखिए कि तमाम ऐसे इलाके आपको LAC के आसपास नजर आ जाएंगे जहां पर फिलहाल थोड़ी टेंशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन भारतीय सेना यहां पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है।